जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अंजैदी। पूरी हो गई क्रिकेट डिप्लोमेसी, अब आगे क्या? देश के प्रधानमंत्री के सामने क्या है ये तो आसानी से समझा जा सकता है। सत्र के खत्म होते ही आ गया क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते ही सरकार के सामने होंगी वही चुनौतियां, घोटाले और भ्रष्टाचार की वही पुरानी मुसीबतें। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहां कह के गए कि मुद्दे हैं भूखमरी, बेरोजगारी, विकास, और वहां जाते ही जो है वो कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। जी देखिए, ये पाकिस्तान की गलती नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। ये उनकी पाकिस्तान देखिए तीन चार चीजों के गिरफ्त में है, अमेरिका, ISI, आर्मी, आतंकवादी। तो पाकिस्तान की मजबूरी है, वो अपने आप कोई फैसला तो ले नहीं सकती। देखिए, कोई भी पहल आप क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे लेते हैं तो उससे पहले हम उसके पृष्ठभूमि में जाते हैं कि पहले जो क्रिकेट की डिप्लोमेसी हुई है वो कहाँ तक कामयाब थी। हमने ये देखा कि जियाउल हक साहब आए थे, उनके आने के दो साल के अंदर कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया। मुशर्रफ साहब आए थे, उसके बाद कारगिल हुआ, और अब गिलानी साहब आए, अब ये देखने वाली बात है कि अब क्या होगा। देखिए, मेन चीज है कि हम ये बिल्कुल सिंबॉलिक प्रतीकात्मक जिसे कहते हैं, ये इस तरीके का चीज है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक चीज अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है, बशर्त है कि उसके पीछे पीछे कारगर कदम उठाए जाए, लेकिन वो नहीं होता है। जो एक चीज आप कह रहे थे कि आज जैसे उनका बयान आप सुने गिलानी का कि साहब, और बहुत सही बात कह रहे थे कि दोनों देश में मुद्दे जो है वो बेरोजगारी, भुखमरी, विकास, ये सारे मुद्दे हैं जो कि कॉमन है, ये बड़े दिल से वो कह रहे थे यहाँ, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई? यहाँ दिमाग से कह रहे थे, वहां दिल से कह रहे थे। अच्छा, यहाँ दिमाग से कह रहे थे, वहां दिल से कह रहे थे, कि वहां अकलमंदी की बात थी, यहाँ जो कह रहे थे अकलमंदी की बात, अकलमंदी की बात थी, वहां तो फिर वो रेटरिक हो गया, पॉलिटिकल रेटरिक हो गया, मजबूरी हो गया। यू आर प्लेइंग टू द गैलरीज, मुझे लोगों को खुश, जो आतंकवादी लोग हैं, जो उग्रवादी लोग हैं, उनको खुश करना है मुझे, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हार्डलाइनर्स, जो हार्डलाइनर्स हैं, उनको जो है मुझे खुश करना है, तो उनके लिए दिया था। दूसरा जो है अकलमंदी की बात थी कि हाँ, दोनों मुल्क जो है गुर्बत का सामना कर रही है, दोनों मुल्कों में जो है ना इतनी बेरोजगारी है, तो उसका सामना करना चाहिए मिलकर। और आज जो हम पैसा जो झोंक रहे हैं फौज में एक दूसरे से लड़ने के लिए, जो तैयारियां कर रहे हैं, वही पैसा पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब आया जिसके वजह से जो है लोग लाखों में जो है बेघर हो गए। वाकई अगर वही पैसा लगाया जाता वहां तो उनकी हालत में कितनी सुधार होती। तो उसके बजाय हम आपस में इन समस्याओं को वो सुलझाना सबसे प्रायोरिटी पर है, प्राथमिकता उस चीज की है, लेकिन हम जो है तैयार कर रहे हैं मिसाइल एक दूसरे के खिलाफ, तो वो कोई अकलमंदी की बात तो है नहीं। तो वहां जाके हम फिर वही बात कर रहे हैं, जाहिर हमारी मजबूरी है, गिलानी साहब की मजबूरी है। हमारे साथ जो है वो हर्षवर्धन जी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंदेश में। हर्षवर्धन जी से हमारा संपर्क लगता हो नहीं पा रहा, हालांकि उनके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। शुंगलू कमेटी की जो है वो रिपोर्ट, दैवीय सहायता लगातार जारी है बीजेपी को। बीजेपी की अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं पीएम जो है प्रधानमंत्री बैक सीट पे आ गए हैं कि साहब एक डायलॉग इनिशिएट हो गया और जमीन तैयार हो गई, थिम्पो से चीज जो है वो आगे बढ़ी। नहीं, उसका सब्सटेंस क्या है? देखिए, गोपाल दास को रिहा करने की बात जहां तक है, एक साल का तो वैसे भी मियाद बची हुई थी, वो तो वैसे भी जेल टर्म पूरा हो चुका है। हाँ, एक साल मुश्किल से है, वो टर्म खत्म हो गया। अरे सरबजीत को रिहा करते हैं तब तो बात होती, क्योंकि उसको तो मौत की सजा है, सजाए मौत है, उसको रिहा करते तो एक जबरदस्त संदेश चला जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गोपाल दास को उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनका एक साल से पहले छोड़ना वाकई स्वागत योग्य है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके लिए सजाए मौत करार दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाकिस्तान के, उसको माफ करें आप, तो उसका एक अलग ही संदेश चला जाता है। और सिमिलरली आप इन्वेस्टिगेशन टीम को इधर भेजिए, अरे दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कितने डोजियर्स आपके पास पड़े हुए हैं, उनमें से एक को आप हैंडओवर करने के लिए तैयार नहीं है। पर वो तो कहते हैं दाऊद इब्राहिम नाम का तो कोई शख्स ही नहीं हमारा। जब वो उस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो वहां टीम जाके क्या करेगी? आप तो हर चीज पर सबूत मांगते हैं,
आप एक चीज एक वेलकम स्टेप कर देते हैं, अगले दिन आपके जो रहमान मलिक साहब है वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि उससे जो है ना पूरा अंतर्राष्ट्रीय वो अपने क्रिकेट की टीम को नहीं छोड़ते हैं, बख्शते हैं। तो इसमें बेसिक चीज क्या है कि हम रेटरिक पर ज्यादा जा रहे हैं, सब्सटेंस कम। वो सियासी मजबूरी भी है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की, अगर वो रेटरिक पर जा रहे हैं। आपको कुछ लहजा और सुर बदला हुआ नजर नहीं आया आपको बीजेपी का? वो कह रहे हैं कि साहब जैसे हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया है, जैसे हिंदुस्तान न्यूजीलैंड है, वैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, क्या ऐसा है? कम से कम उनके बीजेपी की नजर में तो नहीं, कम से कम बीजेपी जो है को तो ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले उसका स्वागत करूंगा बतौर शहरी। नहीं नहीं, लेकिन वो सत्ता में रहते हुए वो ये बात करते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर आने के बाद कहते हैं इंडिया जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सत्ता में आते ही जो है प्रधानमंत्री जो है बस पकड़ के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, है मीनारे पाकिस्तान में जाते हैं। सत्ता छोड़ने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष जो है उस वक्त के वो जिन्ना साहब के कसीदे जो आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाके कहते हैं तो बहुत महान शख्स था, सेकुलर आदमी रहे हैं। तो रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी का भी कोई पाकिस्तान के मामले में, क्योंकि उन्होंने भी उनके भी काफी फ्लिप फ्लॉप रहा है। आगरा का जो फेल्ड समिट था उसमें भी आपने देखा। देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरीके से आपने देखा जब मुशर्रफ साहब दिल्ली में आए थे, हमारी मीडिया हमारी इंटेलेक्चुअल सर्कल ये कह रही थी मुशर्रफ साहब ने क्या पहन रखा है उनके his, और उनके हाइनेस क्या, हिज हाइनेस क्या खाएंगे, हाँ, क्या पिएंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो हम सब्सटेंस से ज्यादा हम सिंबॉलिक प्रतीकात्मक जो चीजें, उन्होंने जो है वो नेहरा वाली गली या पराठे वाली गली उसमें चले गए थे जहां उनकी पैदाइश हुई थी मुशर्रफ साहब की, वो गए थे चांदनी चौक में, इन चीजों को आप अहमियत, अरे आज तो वही लोगों पर लगा। आपको नहीं लगता सुरेश की ये भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं? एक एक शख्स यहां पैदा हुआ था वो अगर रिविजिट, इट इज विद सब्सटेंस। बेसिक चीज क्या है कि अगर रेटरिक पर है उसका अगर पीछे कोई, अब हम जर्नलिज्म ही करते हैं तो अगर हम हवा में लिख रहे हैं बगैर बेबुनियाद का, इसमें एक बुनियाद होना चाहिए, एक एक सोच के सोच को लेकर आगे चल रहे हैं कि हाँ वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारना है, अगर इस सोच के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, हम एक गिमिक कर रहे हैं कि हाँ चलो जी मैच हो गया, चलो इनको बुला लेते हैं, वो आ गए, हमने कह दिया कि चलो हम भी चले जाते हैं, हमने एक आदमी को 6 महीने पहले बात छोड़ना था उसको कह दिया चलो जी हम इनको छोड़ रहे हैं, आइए जी टीम आके घूम के चले जाएं। आप कारगर कदम क्या उठा रहे हैं? दोनों मुल्क, कश्मीर आउटस्टैंडिंग है तो कश्मीर को डिस्कस किया है या नहीं? अगर आतंकवाद आउटस्टैंडिंग है उस पर वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस, व्हेन विल यू डिस्कस, कब आप चर्चा करेंगे? क्या एक रोड मैप आपने तैयार किया? नहीं। तो हां अगर बात, इसमें मैं अभी भी नहीं कहता हूं कि यह कोई टोटल फेलियर है, फेलियर मैं कहूंगा 6 महीने बाद जब मैं देखूंगा कि इसमें आगे कोई और हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं। अगर इसमें प्रगति होती है या बात अगर 1 महीने बाद सब वहीं के वहीं वापस चले जाती है बात, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जैसे कहा कि वो अभी पहुंचे नहीं इस्लामाबाद, कि उससे पहले उनके तरफ से बयान आ गया है कि जी कश्मीर को जो है, अब आप देखेंगे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था और उस दिन जो है वहां यहां के जो सबसे वांटेड टेररिस्ट हैं वो वहां बयान देते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाएगा। उन पर आप काबू पाने के लिए उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? यहां तो कोई एक्शन नहीं है। तो बेसिक चीज है कि क्या कॉन्क्रीट कारगर चीज क्या है, रोडमैप क्या है, जमीन क्या तैयार है, जमीन क्या तैयार की है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो विदेश व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता गिब्स हैं उनका जो बयान आया था कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि बैठो क्रिकेट बहुत बढ़िया मौका है बातचीत करो, ये इसमें हम चर्चा करेंगे। सुरेश अंतिम शब्द, मुद्दे बीजेपी के पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अब शुंगलू कमेटी का एक नया मुद्दा, मुझे लगता है शायद 10-12 हो गए होंगे, क्या कहेंगे आखिर में बीजेपी के लिए? बीजेपी का भी नैतिक स्तर तब बढ़ेगा जब वो पहले येदियुरप्पा के खिलाफ एक्शन लें। येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त और बाकी लोगों का इतना जबरदस्त रिपोर्ट आया है कि यहां तो 19 पेज का तो शीला दीक्षित ने जवाब दिया, इनके अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने सिर्फ 2 ही शब्द कहे कि उन्होंने जो कहा किया वो इमोरल था लेकिन इलीगल नहीं था, इस तरह का सर्टिफिकेट दिया है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने गिरेबान में पहले झांकना पड़ेगा,
उसके बाद उनकी जो बोलने की जो क्षमता है और जो वो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा और साख होगा और उसमें और उसमें कुछ दम दिखाई देगा, यानी कि दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। अगर शीला दीक्षित के ऊपर उंगली उठाई जाती है दिल्ली में, तो कर्नाटक में येदुरप्पा के ऊपर भी उतनी ही जबरदस्त उंगली उठनी चाहिए। जनसंदेश प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत।